लकी गोलीकांड मामले दे विच जलंधर पुलिस वालों दूसरे दोषी नूं भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दस दिन आ कि बीते दिन जलंधर के बस स्टैंड विखे फायरिंग दौरान एक 19 साल नौजवान जिसका नाम लकी सी उसकी मौत हो गई सी। इस मामले दे विच पुलिस वालों दूसरे दोषी जिसका नाम दिलप्रीत सिंह उर्फ बब्बू है उसनू भी पुलिस वालों गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस वालों जल्द ही दोषी दिलप्रीत सिंह नूं मानयोग अदालत विच पेश करके पुलिस रिमांड लिया जाएगा ते बाकी दोषियों बारे डूंघाई दे नाल पूछ-गिछ की जाएगी। मानयोग नवनिहाल सिंह आईपीएस पुलिस कमिश्नर जलंधर वालों दिए गए दिशा निर्देश अनुसार श्री जसकरनजीत सिंह तेजा डीसीपी इन्वेस्टिगेशन श्री सुहेल मेहर आईपीएस एडीसीपी सिटी वन श्री गुरप्रीत सिंह पीपीएस एडीसीपी मालटों की योग हाई हेठ मन इंस्पैक्टर एसएचओ समेत एससी बलजिंदर सिंह इंचार्ज पुलिस चौंकी बस स्टैंड की समेत पुलिस पार्टी उस वे वही सफलता मिली जदों मुकदमा नंबर 232 मिति 26/11/2021 जन्म 302/307/120/B/148/149 IPC 25/56 आर्मजैट थाना डिवीजन नंबर 6 मेन दोषी दिलप्रीत सिंह उर्फ बब्बू और बिल्ला पुत्र अमरजीत सिंह वासी पिंड दकुआ गिरफ्तार किया गया है जो उक्त दोषी कल पेश अदालत करके अपने पुलिस रिमांड हासिल करके डगाई न पुछ की जाऊगी जो उन्होंने नाल होर भी काफ़ी दोषी नामजद किए गए हैं। मेन दोषी गुरमीत सिंह और बब्बू वासी लहारा गिरफ्तार करने लिए वक् वक् पुलिस पार्टियां का रेड करने रवाना किया गया है। दस दिन आ कि इस तो पहला लकी गोलीकांड मामले दे विच जलंधर पुलिस वालों मुख्य दोषी संदीप सिंह उर्फ रिंकू नूं गिरफ्तार किया गया सी ते अज पुलिस वालों दूसरे दोषी नूं भी गिरफ्तार कर लिया गया है जिन्हां जल्द ही कोर्ट तो पुलिस रिमांड लिया जाएगा ते डूंघाई दे नाल पुछ-गिछ की जाएगी। दस दिन आ कि बीते दिन जलंधर के बस स्टैंड विखे फायरिंग हुई सी। इस फायरिंग दे विच लक्की नां दे नौजवान दी मौत हो गई सी जिस तो बाद पुलिस लगातार दोषियों दी भाल कर रही सी। जलंधर तो कमलजीत दी रिपोर्ट फैक्ट न्यूज़। हक ते सच दी खबर लई लाइक ते सब्सक्राइब करो पंजाब दा नंबर 1 डिजिटल न्यूज़ चैनल द फैक्ट न्यूज़।